नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिनसे हम जानकारी हासिल कर रहे हैं राज्य सरकार के एक आदेश के संबंध में, जो रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफे के रूप में बताया जा रहा है। मंत्री जी, क्या आदेश आपकी सरकार ने दिया है रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफे के रूप में? आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की सभी बहनों को, उत्तर प्रदेश रोडवेज की जितनी बस हैं, उनमें सभी फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। वो फ्री यात्रा करें और अपने भाइयों को राखी बांधे। सभी बसों से तात्पर्य ये है कि वातानुकूलित बसें भी होती हैं, उनमें भी वे फ्री यात्रा, सभी बसों में, सभी में, सभी प्रकार की बसों में। और रक्षाबंधन वाले दिन ही यह सुविधा रहेगी या उसके आगे पीछे भी? ये आज रात के 12 बजे से लेके कल रात के 12 बजे तक है अभी तो। जी तो सर, जो रक्षाबंधन, सॉरी, कल रात के 12 बजे से जी और परसों रात के 12 बजे तक। अच्छा, कल रात बारह बजे, तारीख 25 की रात के 12 बजे से तारीख 26 की रात के 12 बजे तक। जी, यानी कि अंग्रेजी जो तारीख है उसमें वो पूरी 26 तारीख उन्होंने फ्री कर दी है। और मंत्री जी, और क्या कुछ चल रहा है राज्य सरकार के स्तर पर, कुछ और खास हो आपके पास आम जनमानस को बताने के लिए तो वो भी आप जानकारी दे सकते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल 1 लाख घरों का बहनों को तोहफा दिया है रक्षाबंधन का जी। और आदरणीय योगी जी ने जो तो प्रदेश में कुछ हिस्से में बाढ़ का भी प्रकोप है जी, तो बाढ़ का भी दौरा कर रहे हैं जी। और सभी रक्षाबंधन पे, ये चूंकि रक्षा सूत्र का त्योहार है जी, सरकार इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहती है और सभी बहनों को इस समय पे, भाई और बहनों को, सबको ही बहुत बहुत बधाई देती है। मंत्री जी, एक प्रश्न और है, थोड़ा सा लीक से हटकर है। एक खबर आई है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, भोपाल में यातायात पुलिस ने किन्हीं वाहन सवारों को रोका और उस वाहन में जो शख्स निकला और एक महिला भी जो निकली, उन्होंने बताया कि हम उनके जीजा हैं। तो इस पर उनका बयान आया है शिवराज जी का कि मेरी करोड़ों बहनें हैं और मैं बहुतों का साला हूँ। इस संबंध में क्या कहेंगे? ये तो आदरणीय है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ज्यादातर बहनों के शादियों में जाके स्वयं कन्यादान करते हैं जी। और उन्होंने ये स्कीम चला रखी है, उनकी ये योजना है प्रदेश में जी। वो कहते हैं कि प्रदेश की सभी बहनें मेरी बहन हैं और मैं सभी का कन्यादान करता हूँ। ये तो उनकी आज से नहीं, सालों से ये योजना चल रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इस बात को। एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा होगा, जरूर कहा होगा। और आप तो रक्षाबंधन के मौके पर आखिर में क्या कहेंगे भाइयों से, बहनों से, कोई संदेश देना चाहेंगे अपना? देखिए, मैं अपनी ओर से और अपने विभाग की ओर से, अपनी सरकार की ओर से, समस्त बहनों के कल्याण के लिए और भाइयों को जिनको बहन राखी रक्षा सूत्र बांधेंगी, उनकी दीर्घ आयु की कामना के लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार सबको बहुत बहुत शुभदायक हो। जी, आपने इतनी बातचीत हमसे की, इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो न सिर्फ राज्य वरन केंद्र द्वारा रक्षाबंधन के मौके पर की गई घोषणाओं, शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दे रहे थे अभी हमें, और साथ ही जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके संबंध में पूछे गए प्रश्न का
उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आपने सुना ही, और अपनी शुभकामनाएं भी उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर सभी भाई बहनों को दी। थैंक यू, थैंक यू सर।